मैं अंदर आई, वैदिक इधर बुक पढ़ रहा है। पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। ऐसे कौन पढ़ाई करता है? मम्मा पढ़ाई। और कौन करता है ऐसे बैठ के पढ़ाई? तो वैदिक यहाँ ना थोड़ी सी रोहन की नकल कर रहा है। रोहन चेयर पे बैठ के, आजकल नया टेबल एक ये लिया हुआ है ना, तो कुछ बुक्स वगैरह रोहन यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, तो वैदिक पढ़ रहा है। पढ़ो। तो वैदिक अभी यहाँ पे सोया हुआ है। गाड़ियाँ देखो जरा, इसकी टूटी हुई, बिना टायर की, सिर्फ एक टायर है इतनी बड़ी गाड़ी में। वैदिक उठे, उठे वैदिक। और मैं बना रही थी अभी चाय। मेरा घर देखो कितना नीट एंड क्लीन, मैं खुद साफ करती हूँ अपने घर को। और मैं बना रही थी यहाँ कटोरे में चाय। और वैदिक का दूध। 5 बज गए हैं, तो वैदिक सोया था 3 बजे, तो 2 घंटे हो गए उसको सोते हुए, इसलिए उठा रही थी। और बस चाय पीते हैं। शाम की चाय की तो बात ही अलग है। मेरे फ़ोन में ना कुछ दिक्कत हो रही है, ऊपर ना ब्लू कलर का स्क्रीन पे ब्लू कलर का इतना बड़ा निशान आ रहा है आज, पता नहीं क्या चक्कर है, दिखाना पड़ेगा अभी, ये ख़राब हो गया। बस शाम की पूजा, और मैं साथ ही में बाहर भी दिया लगाती हूँ। वैदिक यहाँ बैग चला रहा है। ये रोहन का बैग खाली करना है, कपड़े धोने हैं सारे। और तो शाम के टाइम बाहर भी दिया लगा देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी बैठे हैं और इधर तुलसी जी हैं, तो बस। और बाहर खूब ही अंधेरा हो गया। क्या हो गया वैदिक, बाहर क्या हो गया है? अरे वैदिक तो गुस्सा हो गया। वैदिक तो बस गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बात पे। यशो ना, ये कैसा गुस्सा है, ये क्या बात हो गई? खड़े हो जाओ। नहीं, घुटनों से नहीं, खड़े होके चलो। अभी तक ना इसको घुटनों से चलने में मजा आता है लड़के को। उठो चलो बच्चा, ऐसे नहीं, चलो बैग अंदर लेके चले हवा में, चलो। पसीने आने लग जाते हैं, पूजा करने में भी टाइम लग जाता है और पसीना आ जाता है। वैदिक आओ। तो अंदर एसी ऑन करके छोड़ा हुआ है ताकि हवा में आए, पसीना सुखाए। तो अभी रोहन से बात हुई है, तो रोहन को तो अभी टाइम लगेगा आधा घंटा। और अब मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाए। मेरे को ना सुबह की सब्जी बनाना आसान पड़ता है रात के डिनर के मुकाबले, क्योंकि डिनर में कभी डिसाइड ही नहीं होता है क्या करना है। क्या खाना है वैदिक को? वैदिक को क्या खाना है? बा, बा, बा। अरे ये चला लो, तो ये चला के दिखाओ सबको। तो वैदिक का ही बस एक, इसमें ये म्यूजिक लगा देगा और कूदता रहेगा। हेलो, नहीं पूरा बोलो, हेलो गाइस। आर यू गाइस? पहले सांस ले लो। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू देखना है। किसका हैप्पी बर्थडे टू यू देखना है? ये वाला, ठीक है। टीवी ऑन करवाया, इसको हैप्पी बर्थडे टू यू देखना है। अभी मैं बना रही थी डिनर। डिनर में बनेगी चने की दाल। तो चने की दाल में हल्दी और मेरे पास इलायची नहीं है, तो एक इलायची भी डल जाती है, और 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, तो डाल दिया नमक। और अगर आप लोगों के कुकर में से पानी बाहर आता है सीटी के साथ, तो हमेशा उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डालें, तो उससे पानी बाहर नहीं आता। तो बस अब हम इसको 4-5 सीटी लगाएंगे, क्योंकि चना दाल है, काफ़ी टाइम लगता है गलने में। मैं लगाती हूँ 2 तड़का, जो कि ये मेरी मम्मी स्टाइल है। तो ये है अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, हरा धनिया जो लास्ट में डलेगा। पहले लगेगा इन 3 चीज़ का तड़का, और फिर जो लास्ट में इसमें तड़का लगेगा उसमें जाएगी हरी मिर्च, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, जीरा और कसूरी मेथी और हींग। तो ये सब मैंने तैयार कर लिया है और कुकर कर दिया है बंद। तो चलिए बनाते हैं तड़का। है थोड़ा सा तेल, तो कितना जोरों शोरों से तड़का है। उसके बाद जाएगा अदरक। अदरक ये रोहन को बहुत पसंद है, सब्जियों में आता है ना जो मुंह में, इसलिए मैं थोड़ा काट के डालती हूँ। तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। रोहन आ गया। बेल बजाओ, बेल। बेल क्यों नहीं बजाया? लाइट नहीं है। ओह अच्छा, लाइट गई हुई है। लाइट नहीं है।
कैसे लग रहे हो तुम? कौन हो तुम? ओहो ए रोहन, शिट यार रोहन। अरे यार देखना मेरा सारा तड़का खराब हो गया। रोहन के चक्कर में सब काला कलूटा हो गया। थोड़ी देर गैस चेंज कर देते हैं ताकि खाली रहे। नॉर्मल हो जाओ जी, प्याज डालते हैं फटाफट। चलो जी कोई नहीं, प्याज डाल के इसको हम दोनों को काला गोरा कर देंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। कल हमने डाल दिए इसमें टमाटर, हल्का सा इनको ढक देते हैं हम, थोड़ा सा ढकेंगे। जब तक टमाटर गले तब हम अपनी दाल देख लेते हैं। ये सब निकाल दो, को निकाल दो। मुँह में मेरे आती है तो मुझे तो बड़ी खराब लगती है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। टमाटर अच्छे से हो गए, तो अब दाल जाएगी इसमें। हमारी रेडी है, अब मैं इसमें वैदिक के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसमें मिर्च नहीं डाली है, तो वैदिक बिना मिर्च के खाता है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, इसमें अब लगेगा तड़का। तड़के के लिए हमें चाहिए ये गैस ऑन, रहेगा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि अभी मसाले ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा जीरा, फिर जाएगा हींग, जाएंगे सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन हो गया है अच्छे से, तो हम थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी क्योंकि रोहन ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसके बाद जाएगी ये कसूरी मेथी। हाँ बस हो गया है रेडी, ये जाएगा दाल में। और दाल को हमें डालना है, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद इसको अच्छे से मिला दो। अब ऊपर से जाएगा सबसे मेन हमारा हरा धनिया। तो अब हरा धनिया बहुत महंगा हो गया, नहीं तो मैं इसे डबल मात्रा में डालती। बट हरा धनिया बहुत महंगा आ रहा है, मिल भी नहीं रहा है, ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो बस हो गई हमारी दाल तड़का रेडी। इधर मैंने रख दिया राइस, उसी सेम कुकर में दाल चावल चढ़ा दिए, और ये हमारा सैलेड भी है तैयार। तो बस खाने बनाने के पीछे की मेहनत देखो, पसीना। तो अब ये वैदिक इधर बार बार आ रहा है और सारा सैलेड ऐसे खा जाएगा। कहाँ रख के आ रहे हो कि खा के आ रहे हो तुम?